फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 1 HP में 746 वाट ही क्यों होता है। तो आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि ये HP क्या है। वाट तो हमें समझ में आता है कि हमारे घर में जो TV, फ्रिज, बल्ब, ये सब को हम वाट में दिखाते हैं, जैसे कि 10 वाट का बल्ब है, 50 वाट का फैन है। तो अब ये HP क्या है? HP जिसे हम हॉर्स पावर कहते हैं, जितने भी इंजन या फिर मोटर्स को ले लीजिए, इन सारे को हम HP में दिखाते हैं। हमारे घरों में जो मोटर्स लगे होते हैं जिससे पानी टंकी में जाता है, उस सभी को हम HP में दिखाते हैं कि ये 1 HP का मोटर है या 2 HP का मोटर है। तो हम सारे को HP में रेटिंग देते हैं, मोटर और इंजन को। बट हमें यहाँ समझना है कि 1 HP में 746 वाट ही क्यों होता है, या फिर 746 वाट में 1 HP क्यों होता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे HP का और एक वैल्यू होता है कि 1 HP में 735.5 वाट होता है। ये जो वैल्यू है ये मेट्रिक सिस्टम से आता है, और ये जो मैंने पहले बताया 1 HP में 746 वाट, ये ब्रिटिश सिस्टम के अकॉर्डिंग होता है, जिसे इंपीरियल सिस्टम भी कहते हैं। फ्रेंड्स, ब्रिटिश सिस्टम और मेट्रिक सिस्टम में यही अंतर होता है कि मेट्रिक सिस्टम में हम किसी भी वेट को kg में ही मापते हैं, और जो हमारा लंबाई है, लेंथ है, उसे हम मीटर में मापते हैं। बट ब्रिटिश सिस्टम में ऐसा नहीं, ब्रिटिश सिस्टम में हम वेट को पाउंड में मापते हैं, और जो हमारा लेंथ है उसे हम फुट में मापते हैं। आप देख सकते हैं हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स होता है उसमें भी सारा वैल्यू मेट्रिक सिस्टम के ही द्वारा दिया गया है। फ्रेंड्स, बात 1764 की है। जेम्स वाट नाम के एक मैकेनिकल इंजीनियर हुआ करते थे, जिन्होंने भाप की शक्ति को पहचानते हुए एक भाप से चलने वाला इंजन का इन्वेंट किया था। बट इन्होंने उस इंजन को तो बना लिया था, बट उन्हें ये नहीं पता था कि ये जो इंजन है ये कितना पावर का है, ये कितना वेट को ले सकता है। तो इसी चीज़ को जानने के लिए उन्होंने वापस से एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट में आपको पता चलेगा, आप इस इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पर एक हॉर्स है, एक पुल्ली है, और एक यहाँ पे वेट है, और ये जो है ये रस्सी है, रस्सी के थ्रू इसे बांध दिया। ये वेट जो कि अप्रोक्स 75 kg का था, तो जैसे ही ये घोड़ा आगे की ओर बढ़ेगा ये वेट ऑटोमेटिक ऊपर की ओर आएगा। तो यहाँ पे इन्होंने देखा ये जो वेट है ये 1 सेकेंड में 1 मीटर लिफ्ट कर जा रहा है, मतलब 1 सेकेंड में 1 मीटर ऊपर की ओर हो जा रहा है। जेम्स वाट ने कहा इस 75 kg के वेट को लिफ्ट करने में इस घोड़े ने जितना भी पावर खर्च किया यही 1 HP होगा, यही 1 हॉर्स पावर होगा। हाँ, मैंने आपको जो भी कुछ बताया ये सारा मैंने मेट्रिक सिस्टम के अकॉर्डिंग बताया कि 1 HP में 735.5 वाट होता है। तो चलिए अब इसे प्रूफ करते हैं। हमारे पास फिजिक्स में एक फार्मूला होता है, पावर इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम। वर्क का फार्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स जिसे हम न्यूटन में दिखाते हैं, और डिस्प्लेसमेंट मतलब दूरी होता है। तो हमारा फार्मूला यहाँ बनेगा पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो सबसे पहले हम kg को न्यूटन में चेंज कर लेंगे, तो 1 kg में होता है 9.81 न्यूटन, तो 75 kg में हो जाएगा 735 पॉइंट कुछ न्यूटन हो जाएगा। तो अब जैसे हम इसे फार्मूला में सेट करेंगे, फोर्स है 735.7, और डिस्प्लेसमेंट जो कि दूरी है 1 मीटर, और टाइम जो कि है 1 सेकेंड। अब हमारा टोटल आंसर आ जाएगा अप्रोक्स 735.5 वाट। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो ये वाट है ये जेम्स वाट के ही नाम पर रखा गया है, कि हम किसी भी इक्विपमेंट को जो हम वाट में दिखाते हैं ये जेम्स वाट के ही नाम पर कहा जाता है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि ब्रिटिश सिस्टम में 1 HP में 746 वाट कैसे होता है। सबसे पहले आप इस वापस से इस डायग्राम को समझिए कि यहाँ पे जो हॉर्स है, पुली है, और ये जो वेट है, तो इसे हम यहाँ वेट को पाउंड में दिखाएंगे, और वेट जो लिफ्ट किया था इस दूरी को हम फीट में दिखाएंगे। तो हम वापस से यहाँ सेम फार्मूला यूज़ करेंगे, पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो यहाँ सबसे पहले जो हमारे पास पाउंड का वैल्यू, इसे हम kg में चेंज कर लेंगे, और जो हमारे पास दूरी फीट में है उसे मीटर में चेंज करें। फ्रेंड्स, अगर आपको नहीं पता है कि पाउंड को केजी में कैसे चेंज करते हैं या फीट को मीटर में कैसे चेंज करते हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो यहाँ जो हम 550 पाउंड को केजी में चेंज करेंगे तो आएगा इतना वैल्यू, और जब 1 फीट को हम मीटर में चेंज करेंगे तो आएगा ये वैल्यू। ये जो 249.48 kg है इसे हम पहले न्यूटन में चेंज कर लेंगे। तो जैसे ही हम इसे न्यूटन में चेंज करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 2447.3988। तो हम सेम इसे जब फार्मूला में सेट करें तो हमारा आंसर आ जाएगा 746 वाट। तो फ्रेंड्स, ये था पूरे HP को प्रूफ करना, और हम इसी वैल्यू को 746 वाट को ही 1 HP कहते हैं, मतलब एक घोड़े का पावर। 1 HP मतलब एक घोड़े का पावर।